नमस्कार, मैं आज आपको सन्नी जी से मिलवाऊंगी और ये अपनी मदर को लेके आते हैं मेरे पास। उनको माइग्रेन है, उनका आज 5वां दिन है, तो सन्नी जी ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना ट्रीटमेंट करा लूं। तो इनको सीवियर प्रॉब्लम है गर्दन दर्द की। बताइए सन्नी जी, और क्या क्या दिक्कत है? मुझे सर्वाइकल का पेन है, मेरी गर्दन बहुत हैवी हैवी रहती है और चक्कर भी बहुत सारे चक्कर आते हैं। तो आज पहली थेरेपी लेने लेने जा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं, कितना आराम होता है, कितना नहीं। बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह चलाते हो तो थोड़ा भारीपन फील होता है यहाँ से कंधों बहुत में, पेन गर्दन हो में? जाता है, मेरे कंधों पे बहुत पेन होता है, हाँ, बहुत दुखते हैं पूरे दिन, फिर हेडेक भी हो जाता है उसके बाद। ठीक है, अभी हम आपको न्यूरोथेरेपी का एक उपचार देंगे और उसके बाद फिर बताना आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, ओके। इनको अब T1 T2 में जो कंप्रेशर है उससे फ्री करेंगे। देखो, डायरेक्ट जर्क नहीं देते, नहीं तो वो कार्टिलेज में इंजरी हो जाएगी। कैसे करना है वो देखो, पहले हम यहाँ थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे इसको और उसके बाद गर्दन को अपनी तरफ खींचते हुए रिलैक्स, चिन बीच में रखो और अब यहाँ पर अपने अंगूठे की सपोर्ट देनी है और नाक से लंबा गहरा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला। अब इस साइड से भी फिर से नाक से सांस लो, लूज छोड़ो बॉडी को। ये इस तरीके से हमें यहाँ खोलना है। अब हमने जब इस साइड का जर्क दिया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए ना कड़क की आवाज आई, तो जिस साइड थोड़ा सा कंप्रेशर बढ़ रहा होगा उसी साइड आवाज आएगी, जरूरी नहीं है कि पूरी स्पाइन में ही आवाज आएगी। अब मैं इनकी पूरी कमर को ये देखो लूज एंड फ्री करवा रही हूँ। प्रेशर हमें उतना ही देना है जितना पेशेंट सहन करे। देखो बस, देखिए हमने अभी सन्नी जी का ट्रीटमेंट किया है और वो वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है कि किस टाइप से हम न्यूरोथेरेपी से पेशेंट को ठीक करते हैं बिना किसी मेडिसिन के। अब ट्रीटमेंट पूरा हो चुका, सन्नी जी बताएंगे कैसा फील कर रहे हैं। पहले से बहुत बेटर है, अब तो नेक में भी बहुत आराम मिल रहा है और कमर भी मेरी बहुत रिलैक्स हुई है, तो एक सीटिंग से इतना आराम है तो मे भी 2-3 सीटिंग से ज्यादा ही आराम हो जाएगा। मतलब तो वीडियो देखने वालों के लिए क्या मैसेज दोगे आप? कि आप आए, आपके अगर पेन है तो मे भी हो जाएगा ठीक आपका भी यहाँ पे आने के बाद, जैसे मेरा हुआ है। और आपकी जो मदर है उनका माइग्रेन का चल रहा है, हाँ, वो उनके कैमरे भी के आगे आने से थोड़ा शर्म आ रही है तो इसी में कवर कर लेते हैं। उनके भी हाँ बहुत पेन था, उनसे उनके 25 ईयर से पेन था, तो उनके भी बहुत आराम हुआ, अभी सेम डेज में ही बहुत आराम हुआ, वो टैबलेट वगैरह नहीं लेती हैं और चक्कर, हाँ चक्कर आने भी बंद हो गए उनको। एक बार आ तो जाओ मैडम, आप एक बार आ जाओ, बस चेयर पे बैठ जाओ, आ जाओ, शर्माते नहीं। अब तो आपके फेस पे स्माइल है, इतना उदास चेहरा था जब आपके देवर जी आपको लेके आए थे, रात हो रखी थी उस दिन, थी ना रात ही। और कहाँ से आते हो आप, कितने किलोमीटर से आते हो मेरे पास? 50 या 60 किलोमीटर पड़ जाता है। रेवाड़ी नहीं, चरखी दादरी, चरखी दादरी से। तो अब अच्छा अच्छा फील कर रहे हो? चलो दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आपका बेटा डेली आपके को लेके इतनी मेहनत करते हुए लेके आ रहे हैं। मैंने 7 डेज का बोला था इनको कि मैं 7 दिन में, चाहे 40 साल पुराना माइग्रेन है, गारंटी के साथ ठीक करती हूँ। तो इनका काफी आराम आया है, काफी दूर से आते हैं इतनी ठंड में, तो आज इनकी लास्ट सिटिंग है, उस पे भी हम आज बहुत मतलब डेडिकेशन से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इनका पूरा दर्द निकल जाए, क्योंकि नसों में ज्यादा सूजन थी। और बेटे को भी अच्छा लगा है, हमने इनको न्यूरो इसके जो सर्वाइकल की वो है एक्सरसाइज वगैरह वो भी बता दी, माइग्रेन की भी बता दी, वो फॉलो करते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इनको शेयर करो ताकि सभी का भला हो सके। थैंक यू।